नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं प्रदेश जागरण। सुशांत सिंह राजपूत मौत का मामला हर दिन नया मोड़ ले रहा है, हमें हर दिन नई बातें सुनने को मिल रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फिल्मी करियर में तमाम फिल्मों में काम किया और तमाम फिल्मों में किरदार निभाकर हमें खूब प्रभावित किया, लेकिन उनके जाने के बाद भी ये किस्सा खत्म नहीं हुआ। उनके जाने के बाद भी जैसा कि वो अपने फिल्मों के जरिए हमें तमाम मैसेज देते थे और तमाम किरदारों से हमें प्रभावित किया है, उसी तरीके से उनके जाने के बाद भी नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं और उनके मामले में नए नए ट्विस्ट हमें हर दिन सुनने को मिल रहे हैं। इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर है तो वो है ड्रग्स केस। सुशांत सिंह के जाने के बाद ड्रग्स मामला काफ़ी परवान चढ़ चुका है, हर दिन अपनी अपनी प्रतिक्रिया लोग जाहिर कर रहे हैं। अभी ताज़े मामले की बात करें तो जया बच्चन ने अपना इस पर बयान दिया है। जया बच्चन ने कहा है कि यह सिर्फ एक तरीका है फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का, जिसके बाद तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया इस पर जाहिर की और ट्वीट करके अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जया बच्चन के इस बयान के बाद उनके घर की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है। बता दें, सुशांत सिंह के इस मामले में रिया चक्रवर्ती एक अहम हिस्सा हैं। आए दिन अपने बयान के जरिए वो चर्चा का विषय बनी रहती हैं। हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने बयान दिया कि इस ड्रग्स के मामले में सारा अली खान के साथ दो अन्य एक्ट्रेसेस भी शामिल हैं। बता दें, बर्थडे पार्टीज हो या तमाम पार्टी सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पे होती थी, जहां पर तमाम एक्ट्रेस शामिल होती थी। बता दें, पिछला बर्थडे जब रिया चक्रवर्ती का पिछला बर्थडे था, वो सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर मनाया गया था, जहां पर तमाम एक्ट्रेसेस सुशांत सिंह राजपूत के साथ शामिल थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ पूछताछ में तमाम बातें सामने आई हैं, जिसमें पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए और रिया चक्रवर्ती के लिए रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक मुखर्जी ड्रग्स सप्लाई करते थे। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और वो न्यायिक हिरासत में है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।